गाइस, मैं हूँ पिंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं आई हूँ और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर ब्रेकआउट्स हो गए हैं। और मैं बताती हूँ आपको कि क्यों हुए हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने क्या चीज़ यूज़ की और उसी के बारे में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ। तो आप लोगों को पता होगा काफी अच्छे व्यू हो गए हैं, मैंने इस प्रोडक्ट का रिव्यू किया था, एक डेमो भी दिया था आप लोगों को, बट इस प्रोडक्ट ने मुझे बहुत सारे पिंपल्स कर दिया। अभी आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे दवाई लगाई हुई, ये वाला और ये वाला हिस्सा ये तो थे ही, ये पूरा माथा मेरा भरा हुआ था, ये पूरा जो हिस्सा आपको डार्कनेस दिख रही है यहाँ पे पूरा, और पूरे ट्रिप के ऊपर मुझे पिंपल का सामना करना पड़ा, मुझे दवाई लगा के रहना ही पड़ा है। और मैंने देखा कि मैंने कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की है जिससे मुझे ब्रेकआउट्स हो या कोई, लेकिन मुझे याद आया कि जाने से पहले मैंने इसका डेमो दिया था। मैं ऑरेंज वाले की बात नहीं कर रही हूँ, ऑरेंज वाला बहुत ज्यादा अच्छा है, वो ब्रेकआउट्स नहीं देता है, उसका मैं पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ, बट पर्टिकुलर ये नीम पील ऑफ मास्क सेंसिटिव स्किन वालों को मैंने मना भी किया था, बट जो बहुत ही ज्यादा जिनको ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम, प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। 70 रुपए में इसका सस्ता आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ कर लें, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिल्कुल भी मत खरीदिए। मैंने जो लिंक डाले थे वो भी मैं हटा लूंगी, खराब प्रोडक्ट है। और इसके रिगार्डिंग मैं इस पर अप्लाई कर रही थी फिलहाल एक्ने स्टार, तो ये वाइट इसलिए क्योंकि एक्ने स्टार अगर आप थिक अमाउंट में लगाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद व्हाइटिश हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट ट्यूब मैंने फिनिश कर दी है। ये आप सोचेंगे कि ये एक्ने स्टार क्यों, ये एक्चुअली मैंने रिव्यू किया था तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये लगा लूं। तो आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ ब्रेकआउट्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर किया है उसने, वो है एसटी ब्रिटानिका की तरफ से एलोवेरा फेस वॉश। देखिए कितनी अच्छी बॉटल है और इसकी पैकेजिंग के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। आपको पता होगा प्लम का एक प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था, आई थिंक जोटेजो के जो बैग के अंदर, और उसका जो मैंने बोला था कि ट्रैवल फ्रेंडली हो सकता है प्रोडक्ट, बट नो 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 नॉट एट ऑल। मैं वो शार जेल अपने साथ कैरी करके लेके गई थी और वो जो पंप था उसका टूट गया था और वो मुझे वहीं छोड़ के आना पड़ा, हालांकि वो बॉटल पूरी फुल थी, शार जेल इतने ज्यादा यूज नहीं होते, 200 ml की क्वांटिटी की वो बॉटल थी और मुझे सारा शार जेल वहीं छोड़ के आना पड़ा बिकॉज उसका पंप टूट गया था और उसको मैं कैरी नहीं कर सकती थी। बट अदर देन दैट इस पैकेजिंग के साथ ऐसा नहीं है, ये भी मैंने अपने साथ कैरी किया हुआ था और ये बहुत अच्छे थे, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा कि निकला हुआ है, बहुत ही अच्छे से ये कैरी होता है, मतलब इसका जो लॉक सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, टूटता नहीं है। उसमें क्या था, जो ये वाला सिस्टम था थोड़ा ऊंचा था, इस वजह से वो प्रेस हो गया कहीं पे और टूट गया। तो आज मैं बात करने वाली इस फेस वॉश की, हालांकि मुझे बहुत सारे पिंपल्स हो गए तो मुझे लगा कि ऐसा मैं क्या प्रोडक्ट यूज करूं जो डेफिनेटली स्किन पर अच्छा असर करे, क्योंकि दिन पर दिन वहां पर एक तो एटमोसफेयर चेंज हो गया था, बारिश ह्यूमिडिटी ऐसी सारी चीजें हो रही थी और मुझे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे, इवन मेरी फ्रेंड को भी बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे। तो वहां पर मैंने ये जो प्रोडक्ट है वो ट्राई किया था जो कि है एलोवेरा फेस वॉश। सबसे पहले मैं आपको इसके एक मेन चीज के बारे में बताना चाहूंगी जो कि है नो मिनरल, नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकन, प्योर एक्सट्रैक्ट, नो कलर्स। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं जो कि जितने भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं सिंथेटिक या फिर किसी भी तरीके के केमिकल्स, वो इसके अंदर नहीं डाले गए हैं, प्योर एकदम एलोवेरा फेस वॉश है, ना ही कोई फ्रेग्रेंस है, माइल्ड है एकदम चेहरे के ऊपर, पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छी है। अच्छा प्राइस की बात करें, इट इज वेरी प्राइसी, ये थोड़ा प्राइसी है आपके पॉकेट पर, लेकिन क्वांटिटी काफी ह्यूज है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर मैं 200 रुपए का फेस वॉश 50 ग्राम ले रहा हूं तो ये 200 ml की क्वांटिटी है विच इज 899, और आपको और हमेशा ही अमेजोन पर या इनकी वेबसाइट पर डिस्काउंट के अंदर ही अवेलेबल रहता है विच इज ग्रेट, क्योंकि डिस्काउंट हम सभी लोग चाहते हैं। अच्छा तो मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो ये काफी स्मूथ है, ये बहुत अच्छे से लेदर नहीं होता, बहुत ज्यादा फोमी नहीं है क्योंकि इसके अंदर SLS सल्फेट्स वगैरह नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा फोमी नहीं है, बट स्किन से सारे गंक को निकालने में ये पूरी तरह से कामयाब होता है। अगर आपको भी ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है या आपको भी पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो आप एलोवेरा फेस वॉश डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट के अंदर इसके अंदर काफी सारे प्रोटीन्स डाले गए हैं, वीटजम ऑयल डाला गया है, कोल्ड प्रेस ऑयल डाले गया है, मुलैठी पाउडर डाला गया है, एलोवेरा तो इसके अंदर डाला ही गया है, और बस इसके अलावा इसके अंदर किसी भी तरह के केमिकल इसके अंदर इंग्रेडिएंट में ना तो लिखे गए हैं और ना ही इसके अंदर डाले गए हैं, सारे डिस्क्लेमर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप सभी को पता है एलोवेरा एंटी फंगल, एंटी
एंटीफंगल होता है और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है जो कि पिंपल जिसे कॉज होते हैं उनको ये कम करता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है, हालांकि कई बार ये होता है कि सेंसिटिव स्किन, मैं मानती हूँ कि मुझे इससे ब्रेकआउट्स इसलिए हुए क्योंकि इससे हेयर पुल ऑफ हो गए थे, उस वजह से ये मुझे इरिटेट कर गया प्रोडक्ट और मुझे ब्रेकआउट्स होना स्टार्ट हो गए। एक्चुअली मेरा ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा खराब हो गया था, मतलब इस पे दाने 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 हो गए थे। उस दिन ही ये फर्क महसूस हुआ, 2-3 दिन के बाद ये फर्क मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैंने वन बाय वन इसकी डबल दूसरी वीडियो भी बना दी। तो ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। इस फेस वॉश ने काफी ज्यादा साथ दिया मेरा उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा है। जो भी लोग परेशान है पिंपल से या फिर मार्केट के फेस वॉश केमिकल वाले फेस वॉश से दूर रहना चाहते हैं, तो एक बार प्लीज ये इन्वेस्टमेंट करके देखिए इस फेस वॉश के अंदर। मेरी मत मानिए, आप खुद से खरीदिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। रेगुलर यूज के लिए बहुत अच्छा है, माइल्ड है, स्किन से सारे जो गंक है उनको निकालने में कामयाब होता है, ऑयल सेक्रेशन को भी रोकता है, लेकिन ये आपके स्किन को ड्राई आउट नहीं करता। वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। जी हाँ, ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये जो रिव्यू वीडियो वो पसंद आया होगा। और इसके अंदर एसएलएस पैराबिन नहीं है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल लोग केमिकल से दूर रहना चाहते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो नीचे लिंक आपको मिल जाएंगी। बाय द वे, इसको अमेजोन से भी आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, मैं इसकी वेबसाइट के लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। इससे ज्यादा मैं इसके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि मेरे लिए काफी अच्छा वर्क किया है। प्राइस थोड़ा ज्यादा है तो मुझे बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि जिनके पास इतने पैसे नहीं वो कैसे खरीदेंगे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली वो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट या अच्छे प्रोडक्ट की तरफ इन्वेस्ट करें ताकि उनको अपने स्किन के लिए बेनिफिट मिले। क्योंकि आजकल प्रोडक्ट बहुत 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 ज्यादा केमिकल वाले आ रहे हैं, जितने ज्यादा फेस वॉश बिक रहे हैं, मतलब जो जितने ज्यादा पॉपुलर है उतने ज्यादा उनके अंदर केमिकल्स हैं। कुछ कम केमिकल ही है, इवन पतंजलि के अंदर भी बहुत सारे केमिकल हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली इसको ले, आप भी एक नोटिसेबल जो रिजल्ट है अपने चेहरे के ऊपर वो देख पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। जय।